नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों को मनीष परड़ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। स्वागत करता हूं आपका। और जो पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज की जो ये वीडियो कवर करने के लिए पहुंचे हैं डंग करिए वो लेंगे अंकल जी के साथ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, क्या हाल बेटा? बहुत बढ़िया जी, अपने सुनाओ। बढ़िया चाहिए, बढ़िया चाहिए बेटा। तो अंकल जी सबसे पहले अपना नाम और यहाँ का एड्रेस। मेरा नाम वैसे बताने की तो जरूरत नहीं है भाई। हाँ जी, पर बताएंगे लोग बहुत थोड़ा सा कई दिमाग से काम नहीं लेते तो हाँ बताएंगे जरूर। जिला श्री गंगनगर, तहसील गैसिंगपुर, रहने वाला शहर गैसिंगपुर गाँव। ठीक है जी। और अपना नाम? मेरा नाम तिजेंद्र पाल सिंह डंग, वैसे कालू भाई के नाम पर सभी जानते हैं। बिल्कुल। और अंकल जी आज की वीडियो में कितनी भैंसे दिखा रहे हो जी बिक्री वाली? मनीष जी भैंसे दिखाएंगे आपको पांच। ठीक है, पांच भैंसे बिक्री के लिए अवेलेबल है। और टॉप की पांचों एक से बढ़कर एक नवाब हीरे। तो शुरुआती रेट क्या रहने वाला है? 80 की दे देंगे, 80 की। ठीक है, 80 की घर पहुँच, 80 की पहुँच घर। और बढ़िया खीस में से खाली हुई है, तीसरा रोज है भाई को, सॉरी दूसरा, आज तीसरा शाम को होगा। तो अगर कोई भाई बाहर से पशु खरीदना चाहता है दिलवा? हाँ जरूर, मनीष जी आए हुए हैं अपने पास, जयपुर से भी आए हुए हैं, और नाम बोल जाता हूँ यार आपका, ग्वालियर है, ग्वालियर से, ग्वालियर से भी आए हुए हैं। दोनों जगह के कस्टमर आए हुए, उन्होंने खरीदी है जी भैंसे? जी जी, दो रखी हैं अपने घर से, जो पिछली वीडियो लगी थी। ठीक है जी, वो रखी है दोनों भैंसे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार। तो भाई अपना नाम बता दो जी और एड्रेस। मेरा नाम विकास सिंह है। हाँ जी भैया, मैं ग्वालियर से हूँ। ठीक है। और भैंसे लेने आए थे यहाँ। कब आए थे आप इनके फार्म पे? मैं कल रात को आया था। हाँ जी, कल रात को आया था मैं। ठीक है, कल रात को आए थे। और कितनी भैंसे खरीदी है आपने? दो ली है भैया। ठीक है, दो भैंसे यहाँ से खरीदी है। और पूरे संतुष्ट हो? जी हाँ। ठीक है, कितने कितने रेट की खरीदी है आपने भैंस? मैंने 2,20,000 के। ठीक है, 2,20,000 के लिए। मनीष जो वीडियो लगी थी ना पिछली अपनी, हाँ जी वो भैंसे लिए इन्होंने दोनों टाइम अपनी तसल्ली करके। अगर कोई भाई आपकी तरफ से आना चाहता था आप क्या कहोगे, कैसा है बंदा? बेशक बहुत अच्छे हैं। ठीक है, कोई भी भाई किसी टाइम आ सकता है, भैंसे किसी भी टाइम आ सकता है, लेने भी चले जाते हैं। ठीक है जी, आप फोन करो, आपको लेने। अपना नाम बता दो और एड्रेस। मेरा नाम कमलेश चौधरी है, मैं आया हूँ जयपुर से। ठीक है, कब आए थे? मैं आया था परसों। ठीक है, परसों आए थे। और कितनी भैंसे खरीदी आपने? मैंने दो खरीदी है। ठीक है, जायज रेट में मिली है? हाँ। और रहना खाना पीना व्यवहार कैसा लगा? सब बढ़िया है, इनका व्यवहार भी बढ़िया है और खाना भी बढ़िया है। ठीक है, टाइम तो अगर कोई भाई आपकी तरफ से आना चाहता है क्या कहोगे? बढ़िया भैंसे मिलेगी, बढ़िया व्यवहार के आदमी है, और आ जाना देख लेना, अच्छी लगेगी। सबसे पहले नंबर पर जोटी दिखा रहे हो जी। मनीष जी आज चौथा रोज भी को है। ठीक है, चार दिन की भी आई है। फुल बॉडी स्ट्रक्चर में है, हाथी का बच्चा ही है। हाइट की अच्छी है, बड़ी हाइट की है, छोटी नहीं है, सब हरेक पूरी है जितनी भी कह लो। ठीक है, और नीचे जो जुगाड़ लगा है 100 में से एक भैंस के होता है भाई। सही है। और भैया अभी 15 किलो मौके पे तैयार है, कच्चा दूध है, खीस में से खाली होके दूध पे चली है। कितने दिन की होगी भैया? आज पांचवा और छठा रोज है, सॉरी। ठीक है, छह दिन की ब्याई है। छह दिन की ब्याई है, बड़े फुल साइज की भैंस है। और भगवान तेरा भला करे मनीष, छह दांत है। ठीक है, मुंह से भी छह दांत है। छह दांत भैंस है, दूसरे ब्यांत है, फुल बॉडी स्ट्रक्चर में, नीचे की जितनी कहले बेटा एक चक्कर और निकाल दे। ठीक है, जो थनों का साइज है वो भी आप देख सकते हो मनीष। मालिक ने बताया फर्स्ट ब्यांत में 15 और 16 किलो के बीच। ठीक है, पहले ब्यांत में, पहले ब्यांत में दूध दिया भी होगा मनीष, दूध देती है ब्रीडर। सही है। और हाइट बॉडी स्ट्रक्चर देखो लेफ्टी पे और शरीर पे। तो अब की बार कितना तक देना चाहिए? अब की बार मनीष जी अनुमान है 18-19 किलो दूध बढ़े रहे हैं। इसलिए बताऊंगा अंकल जी, इससे मनीष जी चार दांत कटिया। ठीक है, फुल वजन की, फुल हाइट की, मुंह से चार दांत है, चार दांत है भैया, कोई भी कमी निकाल दे कटिया में, कटिया फ्री दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल के टाइम में जो कोई कमी कोई कमी नहीं, पुट्ठा देख, लेफ्टी देख,
मैं कह रहा हर एक अंख बक में पूरी है। तो ब्याई कब की है? मनीष जी पांचवा रोज है, मौके पे 12 किलो कच्चे दूध से खाली होके दूध पे चली है। ठीक है, 5 दिन की ब्याई? 5 दिन की ब्याई है, शायद कटड़ी पीछे है भाई। ठीक है, बच्चा भी साथ में कटड़ी होगी। स्पेस कम है, माफी चाहूंगा, कोई भाई को समझ ना आए किसान के घर की वीडियो दे दूंगा, आके उठाया नहीं अभी, कुखे देख लो भैंस ने। ठीक है, अभी ये जो खाया पिया ही नहीं है, खाया पिया ढंग से नहीं है, भैंस पूरे फुल हाइट वेट की है। तो अंकल जी दूध कितना तक दे देगी? दूध यार मनीष जी 15-16 किलो तो बड़े आराम से देना चाहिए, बाकी जैसी सेवा करेगा भाई वैसा दूध है। सही है, तो कीमत इसकी? कीमत मनीष जी 1,15 की दे देंगे घर पहुँच। ठीक है, 1,15,000 रुपए घर की पहुँच दे देंगे। बड़ी कटिया है, छोटी ना है, कोई भाई सोचे भी 1 रुपए का भी टाइम हो भैंसों में, नीचे जो जुगाड़ा, हाँ जितनी भी ना आगे की लेफ्टी ज्यादा है, पीछे दिखाओ कम है, पर वजन हाथी का बच्चा ही है। 1,15,000 की घर पहुंच खार की कटिया है। अंकल जी इससे आगे तीसरे नंबर पर एक और जोड़ी जी, हीरा है, हीरा। हाँ जी, नीचे देख तूफान लगा हुआ है, हाइट बहुत अच्छी है, सुंदरता भैंस है, दूसरे ब्यांत है, अपने फार्म पे कल रात को आई है, आके मन नहीं लगाया, चक्कर पे चक्कर लगा रही है, दूध 12 किलो अभी मौके पे कच्चे दूध से खाली होके चली है। ठीक है, कोई भाई सोचे भी दूध भैया जाके भैंस बनाती है 15 दिन में, बिल्कुल ऐसे झूठ मार दे लेफ्टी के हिसाब से तो बता दूं 15 लीटर 16 लीटर वो मजे वाली बात नहीं है। बिल्कुल आके कटिया ने मनटिया, ठीक है, चक्कर पे चक्कर तेलिया पड़ रही है जो हमारे पाकिस्तान की जो नस्ल है। तो अंकल जी ब्याई कितने दिन की होगी? कितने अच्छी ब्याई, ये कटड़ा ने कटी है ना पीछे, ये पीछे ये वाली कटड़ी है, साथ ये कटड़ी है, अभी चौथा पांचवा रोज है ब्याई को, बहुत ही अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर में, सींग सिंगार लेवटी, पीछे का जो लेवटा देखो बढ़िया आ रहे हैं। तो अंकल जी कीमत इसकी? कीमत मनीष 92 की पहुंच करवा देंगे, माल सामान मौके पे कर लेंगे, 92,000 रुपए की पहुंच करवा देंगे, जितनी कहले उतनी सफाई में है। सही है, बड़ी नहीं है ना छोटी है, साइज एक एवरेज सा साइज है, जितनी नीचे की है ना मनीष जी, मैं कह रहा हूँ मन खुश होता है मेरे भाई। सही है, फिर वो मन खुश करने वाली बात है, आज भूल गया बात कहनी मन खुश वाली। हाँ जी, मन खुश करने वाली बात भूल गया, अब दोबारा सॉरी माफी चाहूंगा, भाइयों का मन खुश होगा। इससे आगे एक और झोटी दिखा रहे हो, छोटे सिंह की, फर्स्ट ब्यात में दो दांत, चोक के दांत अभी निकाल रही है, ठीक है जी, फुल बड़ी फुल, मैं कह रहा हूँ मनीष नरेश एक एक और भी बताऊंगा कटिया की आज। हाँ जी, बड़ा चक्कर लगा दे दो तीन लोगों को दिखा भी ढंग से, हम निगीने लेके आते हैं, बिल्कुल छोटे से सींग की, मैं कह रहा हूँ फेस क्वालिटी देख, कटोरी में पानी पिला ले, नीचे मुठिया थन। हाँ जी, एक 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 इसकी खासियत और दिखाता हूँ मनीष, रुक 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 बेटा रुक ले, चली चलिए अभी बैठ जा, ठीक है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं, पूरी गन्ने जैसी मोटी धार नीचे देख, ठीक है जी, बाकी पहले ब्यांत की है। मैं कहना फर्स्ट ब्यांत में दोंद के दांत निकाल लिए और चोक के निकाल रही है अभी छोटे छोटे, ठीक है, जितनी कहले उतनी कटिया सफाई में है। ब्याई कब की होगी? ब्याई भैया 30 भैया दूसरा रोज आज। तो कितना दे देगी दूध मनीष? मैं नहीं बोलूंगा इतना दे देगी, मेरी भैंस ही बोलेगी आज तो। सही है, पूरी जेड ब्लैक क्वालिटी, जेड ब्लैक, सींग देख, फेस क्वालिटी देख, सुंदरता देख कटिया में। और कीमत इसकी? कीमत मनीष 1,500 की दूंगा। ठीक है, 1,05,000 की घर पहुंच की दूंगा, 500 किलोमीटर दायरे में मान सम्मान कर लेंगे खुला भाई का। ठीक है जी, अंकल जी इससे आगे एक और भैंस दिखा रहे हो मनीष, बंद सींग। हाँ जी, खीस में से बिल्कुल झाड़ के खाली कर दी है। ठीक है, खीस से खाली हो, मैं कह रहा हूँ नीचे जो नसों का जाल है ना। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ मन खुश होता बेटा, ये नहीं कटिया तेरी, ठीक है, ये नहीं इसके पीछे भी, बहुत ही अच्छे लेवटी की थन चड्डे की बिल्कुल साफ है, बिल्कुल मनीष झाड़ मनीष हुई है। कितने दिन होगी भैया? अभी भैया आज तीसरा रोज है भाई। ठीक है, पूरी खाली कर ली, खाली कर ली, कितना तक दे देगी? सुंदरता बॉडी स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हो, बाकी जितनी भी है दूध की भैंस है। तो अंकल जी कीमत इसकी? कीमत मनीष जी 82 की पहुंच करवा देंगे, मान सम्मान कर देंगे भाई।
ठीक है 82 की घर पहुंच हो जाएगी और यहाँ का रेट रह जाएगा जी भैया जी भाई 12 किलो की कोट लेके ले सकता है, किलो दूध ना दे भैंस वापस मंगवा लूंगा। ठीक है आराम से देती आराम से मैं कह रहा हूँ मनीष देखो दूध के बोल दू 14 देगी 15 देगी वो अपने बेटे नहीं पिटवाने। सही है जी ठीक है कल को लाना देंगे डंग साहब। यार आपने तो 14 बोला था 12 बोला था 13 बोला था वो मरे वाले 12 की कोई गारंटी ले जा सकता है। ठीक है जी